दोस्तों चाणक्य इतने बड़े विद्वान थे जिनसे अगर हम कुछ सीखने बैठे तो शायद ये जीवन भी कम पड़े। उनके पास जीवन को सरल बनाने के, खुद को सफल बनाने के ऐसे उपाय थे जो अगर कोई व्यक्ति अपना ले तो इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसे हरा नहीं सकता। आचार्य चाणक्य के इसी ज्ञान ने उन्हें इतना महान बनाया था कि बड़े से बड़े राजा और बड़े से बड़े विद्वान भी उनके सामने बोलने से डरते थे। आज मैं आपको उन्हीं की ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें एक बार भी अपनाने से आप खुद को ऊपर उठा हुआ यानी कामयाब होता हुआ महसूस करेंगे। इससे पहले आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि चाहते हो कि सफलता खुद तुम्हारे साथ रहे, ये दुनिया खुद तुम्हारे कदम चूमे, तो इन सभी बातों को अपनाना। अगर एक बात भी आपसे छूटी तो हो सकता है आप वो चीज मिस कर दें जो असल में आपके लिए बनी है। इसीलिए देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले तीन बातों का ध्यान हमेशा रखो। मैं ये कार्य क्यों करना चाहता हूँ, जो कार्य करने जा रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा, क्या इससे मुझे सफलता मिलेगी। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करनी बहुत जरूरी है। सफलता की मंजिल एक जंगल के रास्ते से होकर गुजरती है। अगर तुम्हारे पास उस जंगल का नक्शा ना हो तो तुम हमेशा के लिए भटक सकते हो। इसलिए पहले उस काम को जान लो जो असल में तुम करने वाले हो। दूसरी बात, चाणक्य के अनुसार किसी भी पदार्थ की सुगंध के परासर के लिए हवा की जरूरत होती है, लेकिन व्यक्ति के गुण और योग्यता के लिए हवा की जरूरत नहीं होती। व्यक्ति के गुण सभी दिशाओं में खुद फैल जाते हैं। इसीलिए खुद को सही साबित करने में जिंदगी ना बिताओ। अगर तुम सही हो तो तुम्हारी सच्चाई खुद लोगों के सामने आ जाएगी। तीसरी बात, किसी के अधीन रहना कष्टदायक है, परंतु दूसरों के घर में रहना उससे भी अधिक पीड़ायुक्त है। यानी किसी के ऊपर डिपेंड रहना तो दुख है ही, पर किसी के घर में रहकर तुम जीवन बिता रहे हो तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। कभी भी किसी के टुकड़े पर पलकर जीवन मत बिताओ, क्योंकि एक ना एक दिन वो ये बात तुम्हें जताएगा और एहसान भी दिखाएगा, और जिस दिन भी ऐसा होगा तुम खुद को हारा हुआ महसूस करोगे। इसीलिए किसी के टुकड़ों पर पलना छोड़ दो। बीते हुए समय को याद करके पछताओ मत। बीते समय में अगर कोई गलती हुई है तो उससे शिक्षा लेकर वर्तमान को उत्तम बनाने का प्रयास करो, जिससे तुम्हारा भविष्य संवर सके। जो धन बहुत ज्यादा कष्ट से या जिसके लिए अपना धर्म त्यागना पड़े, दुश्मनों की सेवा करनी पड़े या उनकी सत्ता में रहना पड़े, ऐसे धन पर कभी भी मोह मत करना, अकड़ मत करना। किसी की गुलामी करके कमाए हुए पैसे से अच्छा है स्वयं से कमाकर स्वयं इस्तेमाल किया जाए। सांप अगर विषैला ना भी हो तो वह फुफकारना नहीं छोड़ता। यदि वह स्वयं को विषहीन साबित कर देगा तो उसका जीवन संकट में पड़ सकता है। इसी प्रकार शक्तिहीन व्यक्ति को अपनी कमजोरी का प्रदर्शन करने से बचना चाहिए। अगर लोगों को तुम्हारी कमजोरी मालूम हुई तो वह उसी का सहारा लेकर तुम्हें दबाते रहेंगे। और सबसे आखिरी और जरूरी बात, कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी मोल लेना सबसे अधिक खतरनाक है। वह उस समय वार कर सकता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे शख्स से दुश्मनी मत लो जो तुमसे कमजोर है, और अगर ऐसा हो तो सावधानी भी बरतो। तो दोस्तों ये थे वो गुरु मंत्र जिनका सहारा लेकर आप लोग सफलता से मंजिल की दूरी को तय कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।